ऐ मेरे वतन के लोगों, ये गाने के बारे में ये कहा जाता है कि देशभक्त कवि प्रदीप माहिम में एक फुटपाथ पर खड़े थे और उनको याद आ गई और उन्होंने ऐसे शब्दों में इस गीत को बांधा और सी रामचंद्र ने संगीत देते हुए लता दीदी ने उसे अजरामर किया। ऐसा गीत है ऐ मेरे वतन के लोगों। मैं आदरणीय लता दीदी को पुनः एक बार ये गीत न बल्कि हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में ये गीत अजरामर होने के लिए लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। पूरे हिंदुस्तानियों की वजह से ये गीत ऐ मेरे वतन के लोगों जो इन्होंने अजरामर किया था। मैं मोदी जी के लिए दो लाइन जरूर कहना चाहूंगी। मोदी जी, कि संगीनों से सैलाब नहीं रुकता, अंधियारे में महताब नहीं छुपता, और मंजिल की तरफ बढ़ने वाला राही कभी तूफानों के आगे नहीं झुकता है, कभी तूफानों के आगे नहीं झुकता। आप आगे बढ़े, हम सब आपके साथ हैं। एक बार जोर से कहिए आप लोग। नमस्कार। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मंच पे बैठे हुए सब लोगों का मैं स्वागत करती हूँ और जो उन्होंने काम किए हैं उसका किसी हद तक आज जो सबने मतलब लोढ़ा साहब ने उनका मतलब सम्मान किया है उसके लिए मैं लोढ़ा साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ऐ मेरे वतन के लोगों जब गाना बना तो वाकई हमें ऐसा नहीं लगा था कि ये गाना इतना चलेगा। मैं 26 जनवरी को हम लोग प्लेन से गए, सारी इंडस्ट्री हमारी थी, दिलीप कुमार साहब थे, राज कपूर साहब थे, म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन थे, मदन मोहन जी थे, हेमंत कुमार थे, गाने वाले रफ़ी साहब थे, मतलब पूरी इंडस्ट्री ऐसे लग रहा था कि इस शो के लिए खास जा रही है। मैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए तो ये हमेशा कहती हूँ कि कभी कोई भी परेशानी होती है देश में, कोई और भी ऐसी बात होती है तो शुरू शुरू में हमारी इंडस्ट्री के सारे लोग जाके चैरिटी शोज करते थे। ये भी ऐसा ही था। मुझे कवि प्रदीप जी का फोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि ये गाना मैंने लिखा है लता, और मैं चाहता हूँ कि तुम ये गाना दिल्ली में गाओ। तो मैंने कहा इतना टाइम नहीं है, मैं कैसे इतनी जल्दी से ये याद करके गाऊँगी। उन्होंने कहा मुझे वो कुछ मालूम नहीं, मैं वहाँ इतना ही चाहता हूँ कि तुम गाओ। मैंने श्री रामचंद्र जी को कहा कि मैं रिहर्सल करने आती हूँ। उन्होंने एक रिहर्सल किया और फिर बाद में मुझे कहा कि मैं जा रहा हूँ दिल्ली पहले, तो तुम ये गाना वहाँ आके गाना, अभी मैं रिहर्सल नहीं दे सकूँगा। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, तो मैंने कहा आप मुझे टेप कर दीजिए। तो उन्होंने टेप कर दिया और टेप करने के बाद मैं जब प्लेन में हम लोग बैठे तो मैं वहाँ सुनती रही। होटल पे गए हम लोग तो वहाँ मैं रात को सुनती रही और गाना मैंने याद किया। और दूसरे दिन मेरा ख्याल है 3-3.30 बजे के करीब ये गाना मैंने गाया। पंडित जी की तरफ से
महबूब खास साहब मुझे बुलाने आए, उन्होंने कहा लता चलो तुमको पंडित जी बुला रहे हैं। तो मैंने कहा कुछ गलत बात की है, मैंने कोई ऐसा काम किया है जो मुझे पंडित जी क्यों बुला रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम चलो तो सही देखते हैं। मैं गई तो पंडित जी के आँखों में पानी था और मुझे कहा कि बेटा तुमने आज मुझे रुलाया। वहाँ मिसेस गांधी भी थी और मैंने वो गाना जब गा के मैं बाहर आई तो उन्होंने मुझे कहा कि आज उनके बंगले पे चाय है सबके लिए तो आ जाना। तो मैं जाके वहाँ एक अंधेरी सी जगह थी, वहाँ खड़ी हो गई। मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं हूँ यहाँ पे। तो मुझे ढूंढते हुए इंदिरा गांधी जी आई और मुझे उन्होंने कहा कि आप यहाँ खड़े रहिए, मैं आपको आपके प्रशंसक जो हैं उनसे मिलवाती हूँ। और छोटे दो बच्चे वो लेके आई, वो थे राजीव और संजय। तो मुझे वो लोग इतना प्यार करते थे। पंडित जी ने मुझे बुलाया, कहने लगे हाँ यहाँ आओ और मेरे साथ फोटो लो और अभी जाके तुम वहाँ ग्राउंड पे फिर गाना गाओगी यही। तो मैंने कहा अभी नहीं गाऊंगी, ये एक मर्तबा हो गया तो हो गया। तो उनको बहुत खुशी हुई पर वो बहुत दुखी थे। मतलब जो भी वॉर का हुआ था तो उससे उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे अपने आप को संभाले। सब लोगों पे एक दुख की छाया थी और पूरी दिल्ली गंभीर हो गई थी, बहुत लोग परेशान थे। उस हालत में मैंने ये गाना गाया था और लोगों को पसंद आया। आज तक मैंने जितने बाहर जितने शोज किए थे, कम से कम 110 मैंने आउट ऑफ इंडिया शोज किए थे अलग अलग जगहों पे। वहाँ सब जगह ये गाना लोग सुनना चाहते थे। सबसे ताज्जुब की बात ये है कि ये गाना अगर मैं नहीं गाऊँ तो लोग मानते नहीं थे। तो इस से मिलवाया, उनके हाथों से मेरा मुझे सम्मान किया, मैं बहुत आभारी हूँ। और अभी मुझे कहा गया कि थोड़ा कि मैंने कोई तैयारी नहीं की है, गाने की बात थी नहीं, मैं आपको उसकी अस्थाई सुना देती हूँ। एक सेकंड मैं जरा पानी पी लूँ। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आप भी गाइए। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जी 24 तास एक पाऊल पुढे।